Hello viewers, hello friends, I welcome you all on my channel Eating Mode. So guys, today's recipe is a very scrumptious paneer aloo samosa roll. This is tea time snacks aur aap isko zarur try kijiyega. So let's get started, let's make this super delicious paneer aloo samosa roll. पनीर आलू समोसा रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगी स्टफिंग. स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कढ़ाई पे तेल ले लेंगे थोड़ा सा, और उसमें मैंने डाला है करीब एक चम्मच जीरा यानी क्यूमिन सीड्स. और क्यूमिन सीड्स डालने के बाद आप तुरंत डाल सकते हैं यहाँ पर फेनल सीड्स यानी सौंफ. करीब मैंने यहाँ पर एक चम्मच सौंफ लिया है और एक चम्मच जीरा. दोनों को आप तब तक सौटे करें जब तक कि फ्लटर नहीं आने लगे, और जब हल्का सा फ्लटरिंग होने लगे तो आप डाल सकते हैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना. बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर लें और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दें और फ्लेम को स्लो कर दें ताकि ये जले नहीं. बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसको सॉटे करना है. जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट. मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को कद्दूकस कर लिया है, क्रश कर लिया है, और उसको हम डाल देंगे. अगर आप गार्लिक यानी लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो उसको वाइट कर सकते हैं. और बस इसको भी सॉटे कर देंगे हम सारे मसालों के साथ, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सॉटे करेंगे जब तक कि जो रॉ जो फ्लेवर होता है, रॉ जो स्मेल होती है वो नहीं चली जाए. और हल्का सा जब ये सॉटे हो जाएगा तो हम बाकी मसाले इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे. समोसे का जब हम मसाला बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो मसाले होते हैं वो भुनने बहुत ज़रूरी हैं. अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज और कैप्सिकम को भी डाल रही हूँ. तो एक कैप्सिकम और एक प्याज है, उसको मैंने थिनली स्लाइस कर दिया है, उसको मैं यहाँ पर सॉटे कर रही हूँ. चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे क्या होगा जो होगा मसाला जलेगा नहीं. और मैं यहाँ पर डाल दूँगी करीब एक चम्मच या डेढ़ चम्मच आप डाल दें इसमें नमक. नमक स्वादानुसार ही डालें, जैसा क्वांटिटी के हिसाब से जो भी आप अमाउंट ले रहे हैं स्टफिंग का और आपके स्वाद के अनुसार. और नमक डालने से क्या होगा, ये कुकिंग फास्ट हो जाएगी. और आप देख सकते हैं हल्का सा पक गया है, सॉटे हो गया है, प्याज भी अच्छे से पक चुका है. और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया. धनिया भी मैंने क्या करा है, कुटा हुआ धनिया लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है. और काली मिर्च ऑरिगेनो भी मैंने यहाँ पर डाला है, आपके पास नहीं है तो वाइट कर सकते हैं ऑरिगेनो, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दें. और बस इसको मिक्स कर दें अच्छे से, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है इसलिए इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं होती. इसकी जगह मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और काली मिर्च यूज़ की. मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक करा है. आप देख सकते हैं हल्का सा ऑयल अपीयर होने लगा है मसाले में. और जब इस तरह से पूरा मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल अपीयर होने लगे, तब लास्ट में हम इसमें डालते हैं पनीर. तो मैंने करीब आधा कप पनीर लिया है, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है और पनीर को इसमें मिक्स कर देंगे. तो बस पनीर को मिक्स करने के बाद हम ज़्यादा सॉटे नहीं करेंगे, पनीर को इतना मिक्स करना है कि जो सारे जो मसाले हैं जो फ्लेवर्स हैं पनीर में मिक्स हो जाएं, तो पनीर का अच्छा फ्लेवर आएगा. राइट, मसाले का फ्लेवर अच्छा आएगा पनीर में. बस थोड़ा सा सॉटे कर देते हैं स्लो फ्लेम पर. और बस इसके बाद जब हल्का सा ये सॉटे हो जाएगा तो यहाँ पर आलू हम बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे. तो मैंने पहले से आलू को बॉईल करके रख लिया था और आलू को थोड़ा सा मैश कर लिया है. ज़्यादा एकदम मैश नहीं करना है आलू को, तो थोड़ा सा उसको मैश करके हम इसमें बॉईल आलू डाल देंगे. आप देख सकते हैं अच्छे से सॉटे हो गया है पनीर मसालों के साथ कंबाइन हो गया है. और ये मैं डाल रही हूँ करीब एक बड़ा कप बॉइल्ड पोटैटोस, और पोटैटो को मिक्स कर देंगे. आप चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें डाला है, हल्का सा चाट मसाला भी डालें. और थोड़ा सा अगर काला नमक हो तो आप वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. बस आलू को ध्यान रखें कि अच्छे से सॉटे करें, आलू का जो कच्चा पन होना चाहिए. आलू पका है उसमें टाइम नहीं लगेगा, फिर भी इसको हम सॉटे अच्छे से करेंगे मसालों के साथ, तो भुनने के बाद वो अच्छा फ्लेवर आता है. तो हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है. बट लास्ट में सबसे स्पेशल जो मसाला है, समोसे का स्पेशल मसाला, इसको मैंने ज़रूर डाला है. और ये कैसे बनाएंगे, इसकी जो रेसिपी है उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैदे से डो बनाऊँगी इसमें. तो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया, करीब 2 से 3 कप मैदा लिया है. इसमें अजवाइन डाल दिया है क्रश करके, और नमक डाल देंगे स्वादानुसार. और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोयन. तो समोसा खस्ता कैसे बनता है, जो समोसा नहीं बना रहा है, हम समोसे का रोल बना रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है. तो करीब मैंने 3 चम्मच तेल डाला है इसमें, 3 बड़ा चम्मच. तो नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लें मैदे में, और देखें
जब तक कि क्रम्बल्स नहीं होने लगे, जब आप इसको हाथ में इकट्ठा लेते हैं ना तो इस तरह से बनना चाहिए, राइट। तो ये ज़रूरी है, इससे क्या होगा जो आपके समोसा रोल होंगे वो बहुत ही खस्ता बाजार जैसे क्रिस्पी बनेंगे, जो खस्ता जो हम बोलते हैं बिल्कुल खस्ता बनते हैं बाहर से, राइट। तो बस इसमें पानी जब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आप देख सकते हैं मैंने सख्त डो बनाया है, डो थोड़ा सा हार्डी होता है समोसे का, तो डो को हम थोड़ा सा 20 मिनट रेस्ट दे देंगे और उसके बाद देखते हैं। तो ये डो हमारा तैयार हो गया है, 20 मिनट हो गए हैं और डो बिल्कुल रेडी है समोसे के लिए। तो स्टफिंग भी बन गई है और ये हमने डो भी तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रोल आउट कर देंगे और ये जो पनीर के हैं और आलू के जो मिक्सचर है स्टफिंग है इसको मैंने बॉल्स में बना लिए हैं, इसके बॉल्स बना लिए हैं। और चलिए फिर से हम क्या करते हैं, जो हमने आटा तैयार किया था उससे हम बड़े बड़े उसको रोल आउट कर देंगे और उसको कट करके ये जो स्टफिंग है ये जो बॉल्स है उसको फिल करेंगे। तो ये जो मैं बना रही हूँ समोसा रोल, इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको गोल ऐसा बेल लिया है, बड़ी लोई लेके मैदे की आटे की, और इसको इस तरह से आप कट कर लेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप कट कर लीजिए। और कट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसे ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल का एक पीस उठा लेंगे, उसको चाहे तो और एक बार बेल लें, और बेलने के बाद इस तरह से जो स्टफिंग है गोला हमने जो बनाया था बॉल्स उसको रखे, इस तरह से आप उसको रोल कर दीजिए। मैं आपको एक बार और बताती हूँ करके, इट्स वेरी सिंपल टू मेक, तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट लुक आता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है ये, और इसकी स्टफिंग भी काफ़ी टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए एक बार मैं बता रही हूँ, इसको इस तरह से फोल्ड करके, साइड से भी फोल्ड करना है नहीं तो सारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा, उसको रोल करना है, एंड वेरी सिंपल एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको मैदे का घोल अगर यूज़ करना है कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है, मैंने यूज़ नहीं किया, अगर आपको लगता है कि मैदे का घोल थोड़ा स्टिक करने के लिए चाहिए तो मैदे का घोल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे समोसे रोल बना सकते हैं, तो बच्चों को बड़ों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। ओके, तो ये सारे तैयार हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे फ्राई। चलिए फ्राई करते हैं समोसा पनीर रोल्स को। तो तेल गरम हो गया है, और शुरू में जब आप इसको फ्राई करते हैं तो तेल जो होता है ज़्यादा गरम होता है, जब थोड़ी देर बाद आप इसको जब आप फ्राई करेंगे तो इसको स्लो कर देंगे, राइट। तो नहीं तो कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से क्रिस्पी भी बनेंगे, ये खस्ता बनते हैं। तो फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दें और इसको अच्छे से तब तक फ्राई करें जब तक कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, जैसा आप समोसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है ये। और बस देखते हैं ये बिल्कुल खस्ता और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये, और अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आलू पनीर समोसा रोल ये बनकर हो गए हैं तैयार, और जो भी एक्सेस ऑयल है उसको आप ड्रेन कर दीजिए इस तरह से, ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस अब इसको निकाल देते हैं, और आप इसको अपनी मनपसंद इमली की चटनी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, जिसके साथ भी आप खाना पसंद करते हैं खाइए। आई एम सर्विंग दिस विथ टमाटो सॉस। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे, और बताइएगा कैसा बना ये आलू पनीर समोसा रोल। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर इंटरेस्टिंग रेसिपी लाइक दिस। टिल देन, बाय, टेक केयर।